तीन दिन चार दिन पहले जब हमारे दो तीन विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। एक वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के चार पांच हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी का बेटा हो उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है, उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खेत खाए गधा अमार खाए इन दोनों विधायक लोग, तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। अगर ऐसा अन्याय हुआ उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, राज्यसभा का टिकट हो कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ्य लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है, कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और इतना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कार्पेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहाँ कोई कुछ नहीं है, जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया आज वो मायूस है, देख रहे हैं किस तरह के कहीं से मुंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है, आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जिस और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे, जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो